आज हम बना रहे हैं व्हाइट सॉस पास्ता। व्हाइट सॉस पास्ता घर पे बनाना बहुत ही आसान है। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्याज को बारीक काट के लिया है, 6 से 7 कलियाँ लहसुन को बारीक काट के ले लें। आप अपनी मनपसंद की सब्जियाँ इसमें डाल सकते हो। 1.5 कप पास्ता ले लिया है मैंने और एक बर्तन में 8 कप पानी ले लें। पानी को हम गर्म करने के लिए रख लेंगे। जैसे ही पानी में उबाल आ जाए उसमें नमक डाल देंगे और फिर पास्ता मिला देंगे। पास्ता को हमें अच्छी तरह से पकाना है, पर पास्ता को हमें ओवरकुक बिल्कुल भी नहीं करना है। ओवरकुक होने से पास्ता का स्वाद खराब लगता है। जब पास्ते की टेक्सचर कुछ इस तरह से दिखे तो इसे छान लेंगे और फिर इसमें पानी डाल देंगे। फिर इसमें 1 चम्मच ऑयल मिला के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूसरा एक बर्तन को गर्म करके उसमें ऑयल डाल देंगे। फिर इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे, कटी हुई लहसुन मिला देंगे, इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे और फिर कटी हुई सब्जियाँ मिला के भी हमें थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। फिर इसमें काली मिर्च पाउडर मिला दें, नमक डाल दें और फिर इसमें मिक्स्ड हाफ मिला के अच्छी तरह से इसे मिला दें। फिर जो पास्ता हमने बॉईल करके रखा था वो भी इसमें मिला देंगे। अच्छे से मिक्स करें, इसे अलग रख लें। फिर एक फ्राइंग पैन में हम व्हाइट सॉस बनाएंगे। व्हाइट सॉस बनाने के लिए इक्वल क्वांटिटी की बटर और मैदा ले लें। मैंने यहाँ पे 3 चम्मच बटर और 3 चम्मच मैदा लिया है। मैदा को लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लें। फिर इसमें 1/2 लीटर दूध थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं। एक साथ पूरा दूध नहीं डालें, नहीं तो जो सॉस है उसमें लम्प्स आ जाएंगे। सॉस की कंसिस्टेंसी जब इस तरह से दिखे तो इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक मिला देंगे। व्हाइट सॉस बनके तैयार है। इसे हम गैस में से उतार लेंगे और फिर जो पास्ता हमने तैयार करके रखा था उसमें हम व्हाइट सॉस को मिक्स कर लेंगे। व्हाइट सॉस डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट के लिए हमें इसे और पकाना है। इसके बाद हम इसके ऊपर स्वाद के अनुसार चिली फ्लेक्स डालेंगे। अभी ये तैयार है।